हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। प्लांट फिजियोलॉजी के गुरु नीति के एपिसोड सेकंड में मैं एमएम बलडोदिया और मेरे साथ है सर्वेश यादव सर, हम लोग आपका स्वागत करते हैं। और अब तक देखिए प्लांट फिजियोलॉजी की एक एपिसोड को हमने कंप्लीट किया था, इससे पहले हमने सेल बायोलॉजी कंप्लीट किया है। आज हमने जो चैप्टर लिया है प्लांट फिजियोलॉजी का वो है मिनरल न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन हम लेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो हो, कंसेप्चुअल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, जिनमें लॉजिक्स हो, कंसेप्ट्स हो, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए प्लांट फिजियोलॉजी के सेकंड गुरुनीति एपिसोड के साथ हम आज शुरू कर रहे हैं। सर्वेश सर, बिल्कुल। तो आज के लेक्चर में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला जो चैप्टर उसको कवर करेंगे, साथ में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है तो वो क्वेश्चन भी अपन कवर करेंगे। सर, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऑलवेज। किसी भी एग्जाम पेपर को आप देखें, कहीं ना कहीं से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल। और जो ये चैप्टर है, ये कनेक्टिविटी भी अच्छी है, जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी अलग अलग चैप्टर में काफी कनेक्टिविटी दे रखी है, बिल्कुल। तो शुरू करें सर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 36, 3-5 तक आप पहले एपिसोड में स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो 3-6 से मैं शुरू कर रहा हूं। क्रॉप रोटेशन इज यूज्ड बाय द फार्मर्स टू इंक्रीज। देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि कोई भी क्रॉप हो, वेजिटेशन हो, कोई भी प्लांट हो, जो वेजिटेशन है उनको मोस्ट रिक्वायर एलिमेंट क्या है। तो सर, एक एनसीईआरटी लाइन लिखती है, आफ्टर CHO कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, द नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट। और ये प्रिवेलेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। आप अमाइनो एसिड्स की बात करें, आप प्रोटीन्स की बात करें, आप न्यूक्लिक एसिड की बात करें, आप एंजाइम्स की बात करें, आप क्लोरोफिल डिस्कस करें, आप विटामिन्स डिस्कस करें, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब कंटिन्यूसली क्रॉप आप कल्टीवेट करते हैं तो ऑब्वियस है सॉइल में डेफिशिएंसी उसकी आ जाती है। इवन क्रिटिकल एलिमेंट्स जो बोले जाते हैं, जैसे हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह जितने हम यूज करते हैं, उनमें जो क्रिटिकल एलिमेंट्स बोले जाते हैं उनमें भी आप ये कहते हैं एक गुड फर्टिलाइजर शुड कंटेन NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो इसी तरीके का सर मुझे ये क्वेश्चन लग रहा है, कह रहा है किसानों द्वारा फसल आवर्तन के बढ़ाने, किसको बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है रोटेशन, सॉरी। तो ये कह रहा है पोटेशियम कंटेंट इन द सॉइल। देखिए, पोटेशियम जो है उसका रोल नहीं है, पोटेशियम वैसे बेसिकली रोटेशन की बात आ गई इसमें, हाँ रोटेशन की बात आ गई, मोस्ट मूवेबल एलिमेंट है। फिर सर, कम्युनिटी एरिया दे रखा है, कम्युनिटी एरिया डेफिनेटली स्टूडेंट्स रेफर करेगा एक से ज्यादा टाइप की वेजिटेशन या पॉपुलेशन को। उसके बाद दे रखा है ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल। देखिए, ऑर्गेनिक कंटेंट और मिनरल न्यूट्रिएंट दोनों बिल्कुल डिफरेंट बात है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक रेफरेंसेज आप पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात आप करते हैं यहाँ, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है आपको नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। तो सर, मुझे जहां तक लगता है एग्जैक्टली नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में बढ़ाने के लिए बार बार जो है वो क्रॉप रोटेशन किया जाता है, अपन बीन प्लांट को जो है यूज करते हैं। जैसा मैंने ऐसा भी देखा है, अगर आप रूरल फार्मिंग एरियाज से हैं तो आपको बच्चों ये पता होगा कि जो लेग्यूम प्लांट्स और ऐसी जो पल्सेज, जो क्रॉप, दलहनी फसलें जो बोई जाती हैं, कई बार खेत में ही उनको जो है फील्ड में ही उसी तरीके से उनको छोड़ दिया जाता है और उसी को रोटेट करवाया जाता है, जिससे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है या फिक्सर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी वहां हो और वो फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज करें। तो सर, आंसर फाइनल करें, फोर्थ आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइट्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय प्लांट्स। इफ सच स्टेटमेंट इज राइट, व्हाट विल बी द हैपन फर्स्ट बिफोर बीइंग यूज्ड। देखिए, ये कह रहा है कि पादपों के लिए नाइट्रेट नाइट्रोजन का एक प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल। तो अपन बात करें जो नाइट्रोजन है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, जो डाई इस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली जो है यूज नहीं कर सकता, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को। और इसीलिए देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस सॉल्ट्स और कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल। और नाइट्रोजनस सॉल्ट्स और कंपाउंड्स में कन्वर्जन करके उसको यूज करते हैं, जिसमें आप कहते हैं मोस्ट यूजेबल या जो सबसे ज्यादा अबंडेंस में यूज किया जाता है और सॉइल में भी जो सबसे ज्यादा मिलता है वो नाइट्रेट फॉर्म है। अब देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है पादपों के लिए नाइट्रेट नाइट्रोजन का एक प्रमुख स्रोत है, किंतु पादप इस रूप में इसे उपयोग में नहीं ले पाते। ये एग्जैक्टली मुझे लगता है स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गया है, बिल्कुल। तो उससे पूर्व जो है क्या घटित होता है उसके लिए, अब ये कह रहा है यदि यह कथन सही है तो उपयोग में लेने से पूर्व इसमें क्या घटित होना चाहिए, नाइट्रेट को यूज करने से पहले क्या होना चाहिए, बिल्कुल। जो नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको फिर अमोनिया में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, उसका रिडक्शन जो है वो जरूरी होता है। हाँ, देखिए सर, प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है या प्लांट जो यूज कर सकता है, प्लांट दो तरीके से यूज कर सकता है, सॉइल से जो लेता है अमोनियम सॉल्ट और नाइट्रेट। एग्जैक्टली, तो इस ऑप्शन को तो आपको पहले क्वेश्चन में करेक्ट रिजेक्ट करके दे रहा है, वो कह रहा है ये तो इसकी बात आपको नहीं करनी है, तो फिर इससे पहले क्या किया जाना चाहिए, तो ऑब्वियस है आपको यह दे दिया गया, रिडक्शन उसका किसमें किया जाना चाहिए, रिड्यूस टू अमोनिया। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर इसका मिल जाता है, रिड्यूस टू द अमोनिया।
अमाइनो एसिड का रेफरेंस कोई नहीं है, नाइट्रोजन एग्जैक्टली ये था ही, और ऑक्सीडाइज टू अमोनिया ये आप नहीं कह पाएंगे। तो सर आंसर फाइनल करें, सेकंड आंसर। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ बीन फैमिली पल्सेज की बात की जा रही है सर, आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम, और क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम में इनका अपना इंपॉर्टेंस है, प्रीमियरली बिकॉज बीन फैमिली के सदस्यों को प्रथमतः उपयोग किया जाता है फसल चक्र प्रोग्राम में या फसल आवर्तन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एसोसिएटेड इन दिस रूट, डेफिनेटली। अभी जो मैं बात कर रहा था जैसे कि पल्सेज को जो है वो खेतों में ही छोड़ दिया जाता है या इस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा सर कई और एग्जाम्पल है, जैसे कैजुराइना की जो लीव्स हैं उनको एग्जैक्टली फील्ड्स में एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज किया जा सकता है, क्योंकि उनके साथ जो एसोसिएटिंग ऑर्गेनिज्म है वो एंटू फिक्सेशन करता है। इस तरीके के हाँ, फ्रेंकिया जो हम एग्जांपल भी दे रखे हैं सर, जैसा बता रहे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है याद रखें आप, फ्रेंकिया जो है वो नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ फिक्सेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो सर फर्स्ट ऑप्शन पढ़ू मैं, दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एसोसिएटेड इन देयर रूट्स, डेफिनेटली ऐसा होगा, बिल्कुल। आगे पढ़ लेते हैं, दे एड नाइट्रेट्स टू द सॉइल, वो नाइट्रेट जो है वो सॉइल में ऐड करते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद है दे प्रोवाइड ग्रीन मैन्योर, देखिए ग्रीन मैन्योर का सीधा जो रेफरेंस है ये ऑर्गेनिक मैटर से आएगा, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ये प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। और फाइनली लिखा है दे मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो इन सब में से हमारे पास जो परफेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि ये जो प्लांट्स हैं इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उनकी प्रेजेंस होती है। सो सर फर्स्ट आंसर फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, डिकेइंग ऑफ डेड बायोमास, जो डेड बायोमास है डिकेइंग है उसका क्या प्रोसेस होता है। तो सर थोड़ा सा अगर इसको हम ब्रीफ करें तो आप ये जानते हैं बच्चों, जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स एंटायर बायोस्फीयर को रेगुलेट करते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं एनिमल्स एज कंज्यूमर्स, और ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स और प्लांट्स जब दोनों डेड हो जाते हैं या डिकेइंग बायोमास के फॉर्म में जब आते हैं तो इनको दोनों को ही आप कहेंगे जो बैक्टीरिया है या डीकम्पोजर से वो यूटिलाइज कर जाते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। और अल्टीमेटली यहां से जो बैक्टीरिया या डीकम्पोजर है वो जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को आप कह सकते हैं फिर से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एक बेसिक साइकिल होता है। सर प्लांट्स प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में है, यहां प्लांट्स को हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स हैं ये, और एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं, और बच्चों ये जो बैक्टीरिया है ये आप जानते हैं डीकंपोजर्स हैं, क्लियर। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स के बीच का एक एसोसिएशन है जो मिनरल साइक्लिंग करवाता है। क्वेश्चन में सर हमें कहा गया है डिकेइंग ऑफ द डेड बायोमासेस, तो ये डेड बायोमासेस से प्लांट भी डेड हो गया, एनिमल भी डेड हो गया, और इन दोनों को डिग्रेड कर रहा है बैक्टीरिया, और अल्टीमेटली यहां से ये जो बैक्टीरिया है वो मिनरल्स को या मिनरल न्यूट्रिएंट्स को साइक्लिंग में लाता है, वापस प्लांट्स को दे देता है। बिल्कुल, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर से सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल में जो मिलने वाला प्रोडक्ट है दैट इज द अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। तो सारी जो डेफिनेशंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, तो सबको हमें एक्सप्लेन कर देना चाहिए, बच्चों के लिए काम का भी है। सर सबसे पहले नाइट्रिफिकेशन दे रखा है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो अमोनिया बनती है जी, अमोनिया उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट ये पहले बन जाएगा आपका नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट से जो है वो बनेगा नाइट्रेट, और यहां पर इंपॉर्टेंट है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। सर एग्जाम में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं हर बार, करीब करीब कोई ना कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल बताया, आगे क्वेश्चन भी आएंगे, तो यहां ये जो प्रोसेस है नाइट्रीफाइंग प्रोसेस है, यहां पर आपका नाइट्रोसो मोनास और नाइट्रो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, और ये वाला जो प्रोसेस यहां पर नाइट्रो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, ये इंपॉर्टेंट है याद भी रखने हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से सर ने जैसा बताया नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस आपको बता दिया, जो अमोनियम सॉल्ट से एग्जैक्टली उनको ऑक्सीडाइज करते हुए फाइनली नाइट्रेट बनाना है, ये नाइट्रेट प्लांट जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर सर दे रखा डी नाइट्रिफिकेशन, बिल्कुल ये ही हो जाएगा डी नाइट्रिफिकेशन, भी डायग्राम बना रखा है, जो नाइट्रेट है वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक माइक्रो। तो हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन एग्जैक्टली क्या था, द प्रोसेस बाय विच द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट्स टू द नाइट्रोजनस सॉल्ट्स। और ये देखो अमोनियम सॉल्ट्स है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है। अब ये जो नाइट्रोजनस सॉल्ट्स बन गए इनको वापस से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट आप करवा दीजिए, इसको आप क्या कह देंगे डीनाइट्रिफिकेशन। सर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जो थायोबैसिलस हमें एक एग्जांपल दे रखा है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। फिर दे रखा है हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है नाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन एग्जैक्टली ये क्या क्या एक्टिविटीज हैं। तो देखिए
नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है, एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको अपन अमोनिया में कन्वर्ट कर, सिर्फ इतनी सी बात है। अमोनिया में मैंने जैसे अभी कहा था कि जो साइकिल चलती है नाइट्रोजन साइकिल, उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अमोनिया ही होता है, तो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन है। फिर उस अमोनिया से अमोनियम सॉल्ट्स, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट जो है वो नाइट्रिफिकेशन है। नाइट्रोजनस सॉल्ट्स को वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना डीनाइट्रिफिकेशन है, और अब आपके पास बचा अमोनिफिकेशन। तो देखो ये जो ऊपर क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखा है, इन तीनों का ही कंसर्न नहीं है इससे। अमोनिफिकेशन क्या होगा, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ऑब्वियस इस डेड ऑर्गेनिक मैटर में प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस है, तो इससे फाइनली उनका ब्रेकडाउन होकर हमें क्या मिल जाएगा, अमोनिया। इसलिए सर डिकेइंग ऑफ द डेड बायोमास इज द अमोनिफिकेशन, बच्चों अमोनीकरण ये हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 40, एनाबीना एंड नोस्टोल आर डिफर फ्रॉम राइजोबियम बिकॉज, सर एनाबीना और नोस्टोक दोनों जो है वो मेंशन कर देता हूं, डीजीए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, और आपको जान पता होगा ये जो है वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, एज नाइट्रोजन फिक्सर भी ये यूज होते हैं। एक आपको दे रखा है राइजोबियम, ये राइजोबियम आप जानते हैं सिम्बायोटिक एंटू फिक्सर है, और ये सिम्बायोटिक एंटू फिक्सर लेग्यूम प्लांट्स के साथ, ठीक है, ये फ्री लिविंग एंटू फिक्सर्स की तरह एक्ट एग्जैक्टली करते हैं। तो सर स्टेटमेंट्स हम पढ़ लें, ए कैन फिक्स एन टू एज फ्री लिविंग बट बी नॉट डू सो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। राइजोबियम बैक्टीरिया लेकिन फ्री लिविंग होता है, इस पे फोकस बच्चों को करना चाहिए। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो होस्ट प्लांट के अंदर आ रहा है, लेग्यूम प्लांट्स में आ रहा है, और बाहर फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम के फॉर्म में वो प्रेजेंट है। तो सर अल्टीमेटली दिक्कत क्या है, वो बाहर क्यों नहीं फिक्सेशन कर पाता? देखिए नाइट्रोजनेज एंजाइम उसके पास है, तो उस नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट रखते हुए एन टू फिक्सेशन की एक्टिविटी करवाने के लिए एनारोबिक एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट है। अब बाहर सॉइल में एनारोबिक एटमॉस्फेयर हो नहीं सकता, उससे ये क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए वो होस्ट प्लांट के अंदर एंटर करता है, और वहां जो लैग हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन स्केवेंजर, वो होस्ट सेल में उसको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवा देता है जहां अनऑक्सीजनिक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, ये हुआ तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल करेक्ट, पहले हो जाएगा एनाबीना नोस्टोक जो है अभी आपने बताया फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, बट ये कभी नहीं करेगा राइजोबियम, ऑलवेज इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में करेगा। हाँ, सर्वाइव फ्री लिविंग करता है, सर्वाइव फ्री लिविंग कंडीशन में ये कर सकता है। तो एनाबीना और नोस्टोक को जो है सर जैसे ये पैडी फील्ड और राइस फील्ड वगैरह इनमें भी इनोकुलेट करवाया जाता है, जिससे एन टू फिक्सेशन करके फर्टिलिटी बढ़ाई जा सके। आगे मैं फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ, बी कैन फिक्स एन टू एज फ्री लिविंग, तो देखिए यही गलत हो गया, जैसा सर अभी बोल रहे थे बोथ ए एंड बी आर द फ्री लिविंग, नहीं ऐसा नहीं है, फ्री लिविंग तो है नाइट्रोजन फिक्सर, बी फ्री लिविंग कंडीशन में नहीं है। और फिर लिखा है ए हैव नाइट्रोजनेज, ए हैव नाइट्रोजनेज, डेफिनेटली जो भी फिक्सर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो नाइट्रोजनेज को होल्ड करेगा, पर बी हैव नाइट्रेट रिडक्टेज, तो ये इनकरेक्ट रेफरेंस हो गया। तो सर आंसर फाइनल करें, फर्स्ट आंसर यहाँ फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूमिनस प्लांट्स, बिल्कुल अभी अपन ने कॉन्सेप्ट बताया है जो लेग हीमोग्लोबिन है, लेग हीमोग्लोबिन जो इंपॉर्टेंट है, आपने बोला था ये क्या है, O2 स्केवेंजर है, O2 स्केवेंजर जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, और जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो बिल्कुल ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है। हाँ। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम तभी एक्टिविटी करेगा जब उसके आसपास का एनवायरनमेंट एनारोबिक होगा, एनारोबिक, तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है उसको सराउंड कर लेगा, और ये ऑक्सीजन को इस तक जो है पेनिट्रेट नहीं होने देगा, पहुंचने नहीं देगा। मतलब जो नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिव साइट है वहां से ऑक्सीजन को रिमूव करके एक्जेक्टली नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी जो है उसको ये फैसिलिटेट करेगा। तो सर लैंग्वेज में लिखा है लेग्यूमिनस पादपों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्न में से कौन सा वर्णक आवश्यक है, आपके पास सीधा आंसर है लेग हीमोग्लोबिन। देखिए फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन आप दोनों जानते हैं, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन जो है वो फाइकोबिलिंस के टाइप हैं, जो बेसिकली रेड एल्गी और बीजीए का पिगमेंट है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये होता है। एक सर दे रखा है एंथोसाइनिन, इसकी भी एंटो लिखा है, ये एंथोसाइनिन है बेसिकली, ये एंथोसाइनिन जो है सर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी डिस्कस किया था सेल में, डिस्कस वाटर सोल्युबल पिगमेंट, वाटर सोल्युबल पिगमेंट है, वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, सेल सैप में प्रेजेंट होता है, और बीट रूट इसका एग्जांपल हमने बताया था कि आप जब उसकी स्लाइस वगैरह काटते हैं तो आपके फिंगर टिप्स पर्पल हो जाते हैं, या वाटर में अगर आप उनको डिप करोगे तो पर्पल आपको अपीयरेंस मिलेगी। क्लियर? तो बच्चों फाइनल आंसर आपके पास है लैग हीमोग्लोबिन। इसके साथ अपने कॉन्सेप्ट बता दिए जो इंपॉर्टेंट जी हाँ, वहीं से ऑलमोस्ट क्वेश्चन फ्रेम करता है ऑलवेज। 42, ड्यूरिंग द NH3 मॉलिक्यूल प्रोडक्शन हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड इनटू द N2 फिक्सेशन,
तो पर मॉलिक्यूल NH3 फिक्सेशन जो है 8 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, NCERT इक्वेशन लिखती है सर, जैसा मेंशन कर रहे हैं बच्चों। यहां पर 16 ATP है, तो देखो यहां पर फिर सिंगल की बात कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस सिंगल की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, तो दो नाइट्रोजन के लिए 16 है, तो एक के लिए होगा 8 ATP, तो यहां पर जो बनेगा आपका एक तो अमोनिया हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल प्लस H2 प्लस 16 ATP। तो ये इस बार एग्जाम में क्वेश्चन था सर, ये इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन था ये कि जो एडिशनल सब्सटेंस बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फिक्सेशन, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जैसा अभी मैं बात कर रहे थे, नाइट्रिफिकेशन है इन अमोनियम सॉल्ट्स के बाद फर्दर नाइट्राइट और नाइट्रेट को बनाना, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, तो इस नाइट्रोजन के फिक्सेशन प्रोसेस में एडिशनल क्या बनता है ये है, और रिएक्शन से हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 प्रोटॉन का मिल रहा है, तो यहाँ पर 6 तो प्रोटॉन यहाँ चले गए, उसके अलावा 2 जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल बहुत इजीली आप बच्चों ये कह सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद में आप कहेंगे NH डबल बॉन्ड, उसके बाद आप कहेंगे NH3, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो हर बार आप देखिए 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, इसको फाइनली बनाते हुए तो 2 और 2 6 एग्जैक्टली यूज होंगे, तो वो जो एडिशनल है वो कहां जाएंगे, जैसा सर ने वहां मार्क किया है H2 जो हाइड्रोजन है वो एडिशनल फॉर्म में यहां बन जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक NH3 अणु के निर्माण के समय N2 स्थिरीकरण में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 8 ATP आपके पास आंसर है, देखो 16 भी यहां दे रखा है, लेकिन आप ध्यान रखें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया जब बनेगा तब 16 ATP जो है वो यूटिलाइज किए जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बैक्टीरिया इज इन्वॉल्वड इन 2 स्टेप्स कन्वर्जन ऑफ NH3 इनटू नाइट्रेट, अभी अपन ने मेंशन भी किया, हां दोनों एग्जांपल बताए थे, देखो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस ये होता है, और नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इसमें जो है वो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोकोकस, ये एग्जैक्टली आपके पास एग्जांपल है, यहां पर 2 एग्जांपल है, कोई भी एक दे दे, यहां पर आपने बताया नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसो नाइट्रोकोकस, और यहां पर है नाइट्रोबैक्टर, यहां पर नाइट्रोबैक्टर, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन देख लेंगे, देखिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर सब ये ऑप्शन आपको फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास, दूसरे वाले में नाइट्रोबैक्टर, क्लियर। तो स्टूडेंट सेकंड आंसर ये हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे का सा नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 44 डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय, अभी हमने बात की थी थियोबैसिलस और जो स्यूडोमोनास है वो दोनों करते हैं, एक बैसिलस स्पीसीज दिया है तो ऑब्वियस है सारे हो गए, और डी नाइट्रिफिकेशन स्टूडेंट्स आप कहेंगे जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन नाइट्रेट है इसको फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है जो डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कर देता है, और एक तरह से मेरे ख्याल से ये फिर फर्टिलिटी का लॉस हो रहा है, हाँ एक्चुअल में ये नाइट्रोजन कंटेंट को क्या कर रहे हैं, मतलब उससे तो पर्टिकुलर जैसे सॉइल जो है ना सॉइल के लिए रिजर्वोयर है, प्लांट्स के लिए रिजर्वोयर है, तो उस सॉइल से तो आप ये कह रहे हैं कि वो वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में ला रहा है उसको, एटमॉस्फेयर में तो सर वैसे भी कमी नहीं थी, 78% जो है वो टोटल गैसेस कंपोजिशन का हम इसको मानते हैं, लेकिन ये साइक्लिंग के लिए जरूरी था, साइक्लिंग के लिए इंपॉर्टेंट था, साइक्लिंग के लिए जरूरी था, ये कन्वर्जन आना भी जरूरी था, ये कन्वर्जन आएगा तभी आप ये कह सकते हैं फर्दर जो है वो वापस से नाइट्रोजन सॉल्ट्स में कन्वर्ट करवाया जा सके। नेक्स्ट 45 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमाइड इन्वॉल्वड इन द नाइट्रोजन एसिमिलेशन बाय द प्लांट्स, सर ये इंपॉर्टेंट एक बात लिखी है, आप एमाइनो एसिड्स डिस्कस करते हैं और यहां दिया गया है एमाइड्स, तो अगर एमाइड्स हम देखें तो NCERT बहुत क्लियरली मेंशन करती है एमाइड्स आर द मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बिल्कुल आपको ग्लूटामिन एंड एस्पार्जिन दोनों दे रखे हैं, ठीक है, ग्लूटामेट से और एस्पार्टेट से दोनों बनते हैं ग्लूटामिन और एस्पार्जिन, और ये जो है वो एमाइड्स है, इनमें अमीनो एसिड्स के कंपैरेटिवली ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां देखिए ग्लूटामेट आपको दे रखा है, एलेनिन नहीं होगा, ऑप्शन में, हाँ तो अब देखो कौन सा एक एमाइड पादपों द्वारा नाइट्रोजन स्वांगीकरण में सम्मिलित होता है, एमाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 एमाइड है ग्लूटामिन और एस्पार्जिन, ऑप्शन में उन्होंने एस्पार्जिन डायरेक्ट दिया, हाँ ये ग्लूटामेट लिखा है, थोड़ा ध्यान रखें इस पे, ग्लूटामेट लिखा है अमीनो एसिड है, एमाइड ग्लूटामेट, तो एग्जैक्टली आंसर हमारे पास हो गया एस्पार्जिन। नेक्स्ट सेलेक्ट द मैच वंस जो परफेक्ट मैच है वो हमें सब सेलेक्ट करना है, ये कह रहा है नाइट्रोसोमोनास, बिल्कुल अभी बात की है नाइट्राइट टू नाइट्रेट, तो ये नाइट्राइट से नाइट्रेट इनकरेक्ट हो जाएगा, यहां पर नाइट्रोबैक्टर अमोनिया से नाइट्रेट बनाता है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट रेफरेंस हो जाएगा सर, मार्क कर दें। थियोबैसिलस ये कह रहा है डीनाइट्रिफिकेशन, बिल्कुल परफेक्ट है ये, नॉस्टोक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर डेफिनेटली होगा, और एजिटोबैक्टर एनएरोबिक नाइट्रोजन
फिक्सर, एरोबिक होता है, एरोबिक फिक्सर होता है, फ्री लिविंग एरोबिक फॉर्म है ये। तो इस तरीके से हमारे पास सर सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट रेफरेंसेज हैं। तो आंसर जैसा सर ने टिक किया थर्ड हो जाएगा। ये बच्चों इन्फॉर्मेटिव है, परफेक्ट आपको ऐसे ही पता करना है। बाकी हमने सारे प्रोसेसेज आपको बता दिए हैं, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन आप किसको कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट फॉर सेवन, ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द क्लोरोसिस इन लीव्स द स्टूडेंट इन्फर्ड दैट दिस वॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, किसी एक लीफ में क्लोरोसिस की बात कर रहा है। तो सर क्लोरोसिस में मतलब सीधा सीधा सा क्लोरोफिल रिडक्शन कह सकता हूं। बिल्कुल, जो क्लोरोफिल कंटेंट है उसका रिडक्शन हुआ है। तो एक स्टूडेंट जो है वो क्लोरोसिस के सिम्टम्स के बेसिस पे ये कंक्लूड कर देता है कि वहां डेफिशिएंसी नाइट्रोजन की है। दिस इन्फेरेंस कुड बी करेक्ट ओनली इफ येलोइंग ऑफ लीव्स अपीयर्ड फर्स्ट। अब देखिए येलोइंग जो है वो लीव्स का फर्स्ट अपीयरेंस किसमें आना चाहिए। तो जो फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं बेसिकली आप जानते हैं उनमें क्लोरोफिल जो है वो मेन पिगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है और एग्जैक्टली ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करता है। अब सर कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है अगर उसकी डेफिशिएंसी आप काउंट कर रहे हैं तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो पहले ओल्डर लीव्स में आनी चाहिए या यंगर फॉर्म में आनी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक रेफरेंस हम देख लेते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर से भी सीधा कनेक्ट करता है, वहां भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये जो लीव है ये मैच्योर हो रही है और सेनेसेंट पार्ट में जा रही है, सेनेसेंट फेज में जा रही है। तो ओबीएस से सेनेसेंट फेज में ही जाएगी तो ये डिटैच होगी। इसका मेन प्लांट बॉडी से या जहां से ट्विग से ब्रांच से जहां से भी ये लगी है ये डिटैचमेंट में जाएगी। स्टूडेंट्स डिटैचमेंट में जाने से पहले ये न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ करेगा और ये जो न्यूट्रिएंट्स का विड्रॉल है ये डेफिनेटली मूवेबल एलिमेंट्स का ही विड्रॉल होगा। तो सर ओल्डर लीव्स जो है ये ओल्डर सेनेसेंट है, यहां से ये विड्रॉ करके आप ये कह सकते हैं यंगर जो है यंगर लीव्स और पार्ट्स उनको ट्रांसफर होते हैं। तो जो मूवेबल एलिमेंट है वो तो ओल्डर से यंगर को ट्रांसफर हो जाएंगे और जो नॉन मूवेबल है वो आप कह सकते हैं यहां से ट्रांसफर नहीं होंगे। तो नाइट्रोजन हमें दिया है, नाइट्रोजन मूवेबल एलिमेंट है यहां, और ये जो मूवेबल एलिमेंट है ये मूवेबल एलिमेंट डेफिनेटली विड्रॉ करवा लिया जाएगा ओल्डर से यंगर को। तो डेफिनेटली डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसमें आना चाहिए, ओल्डर लीव में आना चाहिए। ठीक है सर, आप मेंशन कर दें उधर बच्चे के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे कैल्शियम और सल्फर को लेके इश्यू रहता है थोड़ा सा, ये डेफिनेटली स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल है तो ये इमोबाइलाइज्ड होगा बिल्कुल, और जो नाइट्रोजन है मोबिलाइज्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो सल्फर है एनसीआरटी में मेंशन किया है। इसमें सर थोड़ा सा एक दिक्कत है, अपन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर भी ले। बच्चों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कैल्शियम को आपको हर हाल में स्ट्रक्चरल एलिमेंट काउंट करते ही आंसर करना है। कैल्शियम जो है बेसिकली मिडिल लेमेला में लगा भी पार्ट होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टिन। इसके अलावा मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में भी इसका रोल है जैसा आपने डिस्कस किया था शुरू में। तो कैल्शियम को तो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं मानना। अब जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कैल्शियम भी ऑप्शन हो आपके पास और सल्फर भी ऑप्शन हो तब आपको कैल्शियम पे ही जाना है कि कैल्शियम ही स्ट्रक्चरल एलिमेंट होगा और नॉन मूवेबल होगा। लेकिन दोनों एक साथ लिख के आपको दे दे, कैल्शियम भी लिख के दे दे और सल्फर भी लिख के दे दे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोनों को मानने में। और इसका मुझे जहां तक लगता है बेसिक रीजन ये है कि कुछ स्पेसिफिक जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके केस में इसको कंसिडर किया जा रहा है। सिस्टीन और मेथियोनिन दे रखे हैं दोनों एनसीईआरटी ने जैसा सर ने बोला, तो उनके केस में इसको स्ट्रक्चरल कंसिडर किया जा रहा है, ऑलवेज इसको स्ट्रक्चरल एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो एक पेयर में जब दोनों दे रखे हो तब तो दोनों को मान लीजिए, कैल्शियम और सल्फर अलग अलग आपको दे रखा हो तो फिर प्रेफरेंस कैल्शियम की होनी चाहिए। तो जो नॉन मूवेबल है उनकी डेफिशिएंसी डेफिनेटली यंगर पार्ट्स में आएगी क्योंकि मूव नहीं कर पाते वो, और जो नॉन मूवेबल के बजाय मूवेबल एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी ओल्डर पार्ट में आएगी। तो सर आंसर फाइनल करें हम, बिल्कुल ये कह रहा है क्लोरोसिस के लक्षण पत्तियों में देखे गए और नाइट्रोजन के अभाव के कारण है, स्टूडेंट जो है वो एक ये कंक्लूड कर चुका है। तो पत्तियों का जो पीलापन है वो सबसे पहले कहां दिखाई देगा, ओल्ड लीव्स में। ऑब्वियस है ओल्डर लीव्स में, ये ओल्ड लीव्स हमारे पास क्लियरली मेंशनड है, ओल्ड लीव्स में ये दिखाई देगा। ठीक है आगे चले सर। नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हेल्पफुल टू मेंटेन द एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स। ये हम सेल बायोलॉजी में भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी जगह आता है ये, हाँ काफी जगह। स्टोमेटल जो रेगुलेशन है ओपनिंग क्लोजिंग में, ओपनिंग क्लोजिंग में भी आता है। तो थोड़ा सा वहां पर देखो पोटेशियम और H प्लस ये पंप प्रेजेंट होते हैं, हाँ K प्लस H प्लस आयन एक्सचेंज। तो यहाँ उसी की रेलिवेंट बात की है, एनायन कैटायन बैलेंस में जो रोल है वो यहाँ पर ऑप्शन क्या कोडिंग में सीधे जाएंगे पोटेशियम। ठीक है ये मोस्ट मूवेबल भी है जैसा आप अभी डिस्कस कर रहे थे, मोस्ट मूवेबल एलिमेंट। नेक्स्ट 49, A man supplied excess fertilizer and watered the grass well. After some time, the leaves turned brown because. देखिए एक जो है वो कह रहा है, man supplied excess fertilizer and watered the grass well. बिल्कुल अगर आपने ग्रास को well watered कर दिया और आप ये कह रहे हैं कि यहां जो है वो आपने excess fertilizer डाल दिया और उसके बाद पानी दे दिया,
वाटर सप्लाई, उसके बाद में आपने वाटर सप्लाई दे दी तो वाटर की अवेलेबिलिटी सॉइल सॉल्यूशन में काफी अच्छी है। फिर कह रहा है कि जो लीव्स हैं दे विल टर्न ब्राउन, तो ये ब्राउन क्यों हो गई? तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि यहाँ कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हुआ होगा। बिल्कुल, तो ये जो मिनरल्स हैं ये ड्यू टू हाई वाटर, हाँ, तो ये क्या होंगे, इनकी लीचिंग हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी और ये नीचे जो है लेयर में चले जाएंगे। ये लीचिंग वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इकोलॉजी में भी लीचिंग दे रखा है, लीच डाउन होना पूरा प्रोसेस वहां मैकेनिज्म इसमें जो अपना डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग है उसमें भी दिया है। ये देखिए सॉइल की होरिजन लेयर्स होती है, इन होरिजन लेयर से आप ये जैसा सर अभी एरो लगा के बता रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स जो है न्यूट्रिएंट्स का जैसे जैसे नीचे की तरफ वो पेनिट्रेट होता जाएगा या लीच डाउन होता चला जाएगा वैसे वैसे आप कहेंगे इस प्लांट के लिए उसकी अनअवेलेबिलिटी हो गई, इस प्लांट के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो रिजर्वोयर की तरफ लीच डाउन होने का उसका जो प्रोसेस है ये डेफिनेटली उस पर्टिकुलर एलिमेंट की या एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी प्लांट में ला देगा, और ये जो डेफिशिएंसी इसी के कारण सर क्या मैं कह सकता हूं ब्राउन ब्राउनिश हो जाएगी आ जाएगा, मतलब कोई भी सिम्टम हो। सॉयल प्लांट के लिए एक रिजर्वोयर होता है न्यूट्रिएंट्स का, और इस न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर में से अगर लीच डाउन आपने न्यूट्रिएंट्स को करवा दिया तो डेफिनेटली डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखे जाएंगे। तो सर यहां देखो लिखा है ऑस्मोसिस अकर्स इन रूट एंड द प्लांट डाई, देखो ये थोड़ा सा रेलिवेंट लिखा है कि ऑस्मोसिस डेफिनेटली प्लांट में हो सकता है कि पानी ज्यादा दे दिया तो वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ऐसी कंडीशन में तो उसमें सिम्टम्स नहीं आने चाहिए, मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं आने चाहिए, अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। और फिर कह रहा है प्लांट डाइज, नहीं ऐसा नहीं है, प्लांट वाटर अगर एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसपीरेशन कर लेगा क्योंकि वो तो रेगुलेटरी ज्यादा से ज्यादा उसी को करता है। फिर लिखा फर्टिलाइजर इज ड्रेन्ड इन द लोअर लेयर ऑफ सॉइल, ये सर बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, और इसके लिए जैसा सर ने बोला बच्चों एक टर्म आपको हमेशा ध्यान रखनी है दैट इज द लीचिंग, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं। क्लियर, सेकंड आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, फाइनल करें सर। नेक्स्ट 50 डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल, फर्स्ट विजिबल सर अभी जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग ये है, जैसे नाइट्रोजन और पोटेशियम जो है वो दोनों मूवेबल है, तो मोबिलाइजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ओल्डर लीव्स से विड्रो करवा लिए जाएंगे और यंगर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, तो ऑब्वियस है जो सेनेसेंट लीव्स हैं या जो ओल्डर लीव्स हैं इन ओल्डर लीव्स में ये सिम्टम्स पहले देखे जा सकेंगे। क्लियर, नेक्स्ट 51 विच वन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म, ये सेल बायोलॉजी में डिस्कस जैसा आपने किया था बिल्कुल डायरेक्ट इंपॉर्टेंट भी है और काफी जगह आ चुका है, जो मैग्नीशियम है वो एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दोनों सब यूनिट्स को वो ज्वाइन करवाने में हेल्प करता है मैग्नीशियम, उसकी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जो है उन पे, तो सर आंसर टिक करूंगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, इनमें से कौन सा जो है वो मिनरल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण नहीं होता है, ये आपको दे रखा है। तो देखिए नेक्रोसिस है, एटियोलेशन है, क्लोरोसिस है और शॉर्टनिंग ऑफ द इंटरनोड है। सर इसमें एक जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर का इंपैक्ट है, एटियोलेशन, तो इनको सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहिए। सबसे पहले नेक्रोसिस दे रखा है, नेक्रोसिस बेसिकली टिश्यू डैमेज डेथ हो जाती है सर उसकी, हाँ ये टिश्यू डैमेज है सर। एक लीफ बना के उसमें एक एरिया आप बता दें बच्चे को जिससे थोड़ा क्लियर रहे, जैसे कोई ये लीफ है इसमें कोई पर्टिकुलर एरिया डेवलप हो गया और यहां से टिश्यूज डैमेज हो गया, आपको बच्चों बिल्कुल ब्राउनिश ब्लैकिश अपीयरेंस मिलेगी, वहां से खत्म ही हो गया, इसको आप कहते हैं उत्तक क्षय, टिश्यूज का डैमेज हो जाए। बिल्कुल, और ये भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दे रखा है कि इसकी डेफिशिएंसी, हाँ मतलब जो ग्रीन अपीयरेंस उसके बजाय येलोइंग अपीयरेंस में हो जाएगा। एक लिखा है शॉर्टनिंग ऑफ द इंटरनोड, जो शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड है ये एग्जैक्टली ग्रोथ के स्टंट फॉर्म में आ जाने से या ग्रोथ के रुक जाने से कोरिलेट करता है, ये भी डेफिशिएंसी की, ये भी डेफिशिएंसी है। लेकिन इटियोलेशन जो है वो आप ये कह सकते हैं सर बेसिकली आती इसमें कर्लिंग है लीव्स वगैरह में, वो कर्ल फॉर्म में या कर्ड हो जाती हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली इंपैक्ट लाइट का लाइट है, या तो लाइट अब्सेंट हो या उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, हाई इंटेंसिटी में हो सकता है या लो, बिल्कुल आप कह सकते हैं वीक जो प्रेजेंस लाइट का है इंटेंसिटी का उस केस में हो सकता है, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर का इंपैक्ट, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा पंडुरिता इटियोलेशन। नेक्स्ट 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, बिल्कुल एग्जांपल दे रखे हैं, जो टोटल जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो 17 है जिसमें 8 और 9 बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए सीधा आप सब बच्चे अपने अपने तरीके से याद रख लेते हैं, सर मैंने बचपन से याद किया था इनको, बिल्कुल इनकी ट्रिक होती है, कॉर्न SPK कैल्शियम मैग्नीशियम,
ठीक है, आपको सी एच और ओ ये तो आपको पता है सबसे ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट है ये तो। इसके बाद आपने पढ़ रखा है नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट, उसके बाद में सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो आपसे पूछा जाए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, तो आप कहेंगे कौन, एसपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और ये मतलब अपने अपने तरीके से बच्चे बहुत, कई बच्चों से मैंने सुना है कई बार बहुत इंटरेस्टिंग जो है अलग अलग ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स होती है बच्चों की और कई टीचर्स की भी अलग अलग ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो सर फिर सर कौन, एसपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो जो है वो मैक्रो है और इनके बाद जो बच गए सारे वो है माइक्रो। माइक्रो एग्जाम में कई बार पेयर का क्वेश्चन आता है, पेयर बना देगा या फिर एक एक, एक पूरा जो है वो ग्रुप आपको देगा और उसमें से मैक्रो और माइक्रो आपसे डिफाइन करवाएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन सा हो गया, कॉपर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा मैक्रो जी। नेक्स्ट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर लघु पोषक तत्व है, देखिए लेस इंपॉर्टेंट देन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नहीं ऐसा नहीं है, क्वांटिटी में अगर कम रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो लेस इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, इंपॉर्टेंस इक्वली है, इंपॉर्टेंस इक्वल है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, ओवरऑल उसका अपना रिलेवेंसी है। फिर कह रहा है एज इंपॉर्टेंट एज मैक्रो न्यूट्रिएंट, डेफिनेटली ये सही बात है। फिर कह रहा हैविंग माइनर रोल इन द प्लांट न्यूट्रिएंट, हैविंग माइनर रोल इन प्लांट न्यूट्रिएंट, माइनर रोल इन, रोल तो आप ये कह सकते हैं मेजर एसेंशियल है सारे। एक तरफ सर ये कह रहे हैं कि एज इंपॉर्टेंट एज मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है तो फिर माइनर रोल तो कैसे कह सकते हैं। फिर कह रहा है ओमिटेड फ्रॉम द कल्चर मीडियम विदाउट एनी डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल है ये, डेट्रीमेंटल इफेक्ट, हानिकारक जिसको आप कहते हैं डेट्रीमेंटल इफेक्ट, बिना किसी नुकसान वाले प्रभाव के उनको बाहर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जहां तक सर एक ब्रीफ रेफरेंस की हम बात करें, सुपरफिशियली हम देखें तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्पेसिफिकली जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, एक्टिवेटर हैं, इनहिबिटर्स हैं, इन सब फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है उस मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बजाय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल स्पेसिफिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो फाइनल करें सर, आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एसेंशियल एलिमेंट इज दैट विच, तो एसेंशियलिटी जो एलिमेंट्स की है वो क्या है, या एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, ये एनसीईआरटी ने एक हमें दे रखा है पूरा एक क्राइटेरिया एसेंशियलिटी का दिया है, इज फाउंड इन प्लांटर्स, जरूरी नहीं एसेंशियलिटी में हो। प्लांटर्स का मतलब है आपने बच्चों ऑर्गेनिक कंटेंट जो प्लांट था या कोई प्लांट पार्ट था उसको आपने बर्न किया तो उसके बाद में फाइनली जो वहां बच गया उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर के साथ एग्जैक्टली नहीं बर्न हुआ वो उसमें प्रेजेंट होगा, तो जरूरी नहीं है वो एसेंशियलिटी में हो। सेलेनियम और गोल्ड और ऐसे कुछ एलिमेंट बताए गए जो प्लांट में प्रेजेंट है जिनकी, बिल्कुल। फिर कह रहे हैं सर इज अवेलेबल इन सॉइल, सॉइल में अवेलेबल होगा, डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लेकिन एटमॉस्फेयर से भी तो लेते हैं, एटमॉस्फेयर से भी लेते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ, तो यहां मैं दो बातें लिख सकता हूँ सर, दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक होंगे नॉन मिनरल, नॉन मिनरल्स, और दूसरा होगा मिनरल्स। मिनरल्स तो जैसा सर कह रहे हैं एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं, जैसे सी कार्बन की बात आप करो, बिल्कुल, तो हाँ CO2 के फॉर्म में लेते हैं ना। और इसके अलावा जो है CO2 की फॉर्म में तो कार्बन, ऑक्सीजन आ गया, और जो वाटर है वो चलो सोइल से आता है लेकिन उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाता है, तो नॉन मिनरल उनको काउंट किया जाता है। और जो मिनरल्स हैं ये मिनरल्स सारे जो है वो कहां से लिए जाएंगे, सॉइल से, अर्थ क्रस्ट और ओरिजिन लेयर ऑफ द अर्थ जो है सॉइल है वहां से। फिर कह रहा है इंप्रूव्ड हेल्थ ऑफ द प्लांट, डेफिनेटली प्लांट की हेल्थ को इंप्रूव करेगा, इज इररिप्लेसेबल, देखिए ये दे रखा है काम की बात, मुझे यहां तक लग रहा है इररिप्लेसेबल एंड इंडिस्पेंसेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये कह रहा है पादप वृद्धि के लिए अप्रतिस्थापी तथा सर्वथा आवश्यक होते हैं, अप्रतिस्थापी मतलब जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सर अगर डेफिशिएंसी सल्फर की है तो सल्फर से ही ट्रीट किया जा सकता है, सल्फर की जगह फॉस्फोरस देके काम नहीं चलाया जा सकता, तो इसका मतलब है स्पेसिफिकेशन है, सिम्टम्स भी स्पेसिफिक है। और दूसरा कह रहा है कि प्लांट की जो ग्रोथ है उसके लिए इंडिस्पेंसिबल है, ऑलवेज रिक्वायर्ड होगा, ऑलवेज रिक्वायर्ड होगा, तो मुझे जहां तक लगता है इसी के बेस पे उनको डिफाइन किया है, एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, इसी के बेसिस पे डिफाइन किया गया। कुछ बातें दे रखी है कि जैसे एक कॉमन मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्वमेंट उसका होना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो परफॉर्म डायरेक्ट रोल होता है, डायरेक्ट रोल होता है, तो इस तरीके से आपको कुछ बातें दे रखी। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू, देखिए सर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट प्लांट से कनेक्ट कर सकते हैं, फिजियोलॉजी से, एनाटॉमी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो सैपवुड और हर्टवुड यहां दे रखा है। देखिए बेसिकली प्लांट में जब जाइलम जो है ये सेकेंडरी जाइलम की कंडीशन में आ जाता है, मतलब जब प्लांट में ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है, इस सेकेंडरी जाइलम बनने की कंडीशन में जो वुड है जाइलरी वुड उसको सैपवुड और हर्टवुड दो में आप डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों याद रखने का बहुत सीधा तरीका है, ये हर्ट जो है वो सेंट्रलाइज ही होगा, अंदर होता है ना, ये तो बाहर नहीं हो सकता,
और ये जो है वो इसकी पेरिफेरी में प्रेजेंट होगा। ये जो हर्ट है इसमें गम डिपॉजिट हो जाता है, और हर्ट में गम डिपॉजिट होने का मतलब आपको पता है कि जब हर्ट में गम डिपॉजिट हो जाएगा तो अल्टीमेटली फीलिंग्स आना बंद हो जाती हैं, किसी तरीके का ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, किसी तरीके का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो ये तो सब ब्लॉक कर देगा। अब ऑब्वियस है हर्ट में गम डिपॉजिट होने से सब ब्लॉक हो गया तो ट्रांसलोकेशन कौन करेगा? सेप, सेप वुड करेगा, ठीक है। तो सेप वुड से एग्जैक्टली ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस हो जाता है। डायरेक्ट आंसर पे चले, फोर्थ आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर सेप वुड टू सेप, ठीक है। तो इस तरीके से जो मिनरल सॉल्ट्स का ट्रांसलोकेशन जाइलम के थ्रू हो ही रहा था एसेंट ऑफ सैप के प्रोसेस में, लेकिन जैसे ही प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो गया तो जो सेकेंडरी जाइलम उसका जो सैप वुड पार्ट है ये ट्रांसलोकेट करेगा, जबकि हर्ट वुड वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एटीपी फॉर्मेशन? सर एटीपी फॉर्मेशन दिया है, एटीपी फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया एटी में फॉस्फोरस प्रेजेंट है जी, इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर फास्फोरस और नाइट्रोजन का बड़ा रोल है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन में इनमें एक कैटेगरी दे रखी जो अपने एनसीईआरटी में दिया है ना, इनको कैटेगराइज कर रखा, वहां कर रखा एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट, बिल्कुल उसमें बाकायदा दोनों को मेंशन किया है। एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट में फॉस्फोरस को भी मेंशन किया है, नाइट्रोजन को भी मेंशन करते हुए वो कह रहा है क्लोरोफिल के केस में, क्योंकि क्लोरोफिल सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन वहां कॉन्सेंट्रेंट है और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेगा तो वहां से भी एनर्जी आएगी। तो जैसा सर ने मेंशन किया नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, कैल्शियम आपको पता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये मूवेबल एलिमेंट है, और एक के साथ आपको नाइट्रोजन के साथ कॉपर दे दिया, तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेथ ऑफ द स्टेम एंड रूट टिप्स अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ स्टेम, और रूट टिप्स की जो है वो डेफिशिएंसी की बात ये कर रहा है। तो ये बेसिकली देखिए वो रीजन होते हैं टिप पार्ट जो भी है मेरिस्टमेटिक ग्रोइंग रीजन, हाँ ग्रोइंग रीजन होते हैं, कंटिन्यूसली डिविजिबल होते हैं या डिविजन में होते हैं, तो मेटाबॉलिकली हम सर कह सकते हैं ये एक्टिव है, बिल्कुल। और वहां पर जो रोल है डिविजन में इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम का जी, तो कैल्शियम हम कह सकते हैं कि इस कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई दूसरा यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो नाइट्रोजन, क्योंकि ग्रोथ को अल्टीमेटली यही मेंटेन करेगा। न्यूक्लिक एसिड्स और अमीनो एसिड्स के कॉम्पोजिशन से लेकर सारा सब कुछ आप जानते हैं, क्लोरोफिल हुआ, विटामिन हुए, हॉर्मोन्स हुए, उन सब में इसका रोल है। तो आंसर फाइनल सर कैल्शियम। नेक्स्ट, बोथ मिनरल्स एंड वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये एक थोड़ा सा रूट का जोन में सर बना देता हूं, रूट के केस में ही ये पूछा गया है। ये रूट कैप, जो रूट कैप है एक तरीके से प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद में जोन डिवाइड हम कर लेते हैं, ये फर्स्ट सेकंड जोन थर्ड और ये फोर्थ। यहां से मैं कह सकता हूं रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक बात तो बहुत सीधा ही बच्चों आपको ये दिखाई दे रही है कि मैंने फर्स्ट और सेकंड जोन में कहीं भी रूट हेयर्स नहीं बनाए हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली ये दोनों जोन आप रिजेक्ट कर दोगे, यहां से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि अब्जॉर्प्शन तो रूट हेयर्स करेंगे। तो रूट हेयर्स बेसिकली इलॉन्गेशन और मैच्योरेशन जोन में ही प्रेजेंट, सॉरी मैच्योरेशन और परमानेंट जोन में, मैच्योरेशन और परमानेंट जोन में ही प्रेजेंट होंगे। पहला सर जो रीजन है वो हम मेंशन करते हैं मेरिस्टमेटिक, दूसरा जो रीजन है वो हम मेंशन करते हैं इलॉन्गेशन, ये मेरिस्टमेटिक हुआ, ये इलॉन्गेशन हुआ। थर्ड जो है इसको हम कहते हैं ये मैच्योरेशन जोन है, और फोर्थ जो है इसको हम कहते हैं ये परमानेंट जोन है। तो अल्टीमेटली देखिए यहां रूट हेयर्स की प्रेजेंस की रेलिवेंसी क्या है ये भी हमें समझनी चाहिए। यहां रेलिवेंसी जो है वो ये है कि अगर रूट हेयर यहां प्रेजेंट होंगे तो ये परमानेंट जोन है, मैच्योर होने के बाद परमानेंट हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन यही होगा, और डिफरेंशिएशन यहां होगा तो यहां जाइलम की प्रेजेंस होगी, और रूट हेयर्स अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियस है जाइलम के थ्रू वो ट्रांसलोकेट हो जाएगा। तो सर रूट कैप, मेरिस्टमेटिक जोन और इलॉन्गेशन जोन ये तीनों ही एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, इनका रोल नहीं होता। तो हमें दे रखा है जोन ऑफ इलॉन्गेशन इन रूट्स, रिजेक्ट कर दूं सर, ग्रोइंग पॉइंट में नहीं होंगे, ग्रोइंग पॉइंट इन द रूट्स नहीं होंगे, रूट हेयर जोन डेफिनेटली रूट हेयर जोन, और जोन ऑफ द मैच्योर सेल्स। तो जोन ऑफ मैच्योर सेल के बजाय रूट हेयर जोन इसलिए हम ज्यादा प्रेफर करेंगे कि जोन जो रूट हेयर्स वाला है वो मैच्योरेशन के साथ साथ परमानेंट दोनों रीजन को बेसिकली ऑक्यूपाई करता है या कवर करता है। तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा रूट हेयर जोन। नेक्स्ट, विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स हमें देखना है सर। अमंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन इज रिक्वायर्ड इन मच लार्जर क्वांटिटी, आयरन जो है वो मच लार्जर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, बिल्कुल बेसिकली तो माइक्रो में काउंट किया गया, लेकिन जितने माइक्रो कंपैरिजन में हाई अमाउंट में रिक्वायर्ड, हाई अमाउंट में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सर टिक कर दें इसको। फिर कह रहा है सिलिकॉन इज डिपॉजिटेड कॉमनली इन द लीव्स ऑफ द डाइकॉट्स, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सिलिकॉन का लीव्स में,
किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट के बेसिस पे तो हम फिर भी कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लांट का एग्जांपल ले लिया, ऑल सारे डाइकोट्स में सिलिकॉन की प्रेजेंस कोई लॉजिक नहीं है। फिर सर कह रहे हैं कैल्शियम एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन, ये सेल बायोलॉजी में काफी डिटेल में हमने पढ़ रखा है। फिर कह रहे हैं डेथ ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द बोरॉन, बिल्कुल जी ये एग्जांपल दे भी रखे हैं। हाँ तो यहां से आपके पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ या फॉल्स हुआ वो हो गया सेकंड, तो आंसर हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच इज कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट इज नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम सॉइल, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोनेंट तो है लेकिन सॉइल से ऑब्टेंड नहीं किए जाते, तो जैसा सर हम अभी बात कर रहे थे ना मिनरल और नॉट मिनरल, तो देखिए ये सर ने मेंशन किया CO2, तो ऑब्वियस है कार्बन का सोर्स जो है वो प्लांट्स के लिए जनरली यही है, और फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्टिविटी होती है ना उसके लिए इसको इसीलिए लिमिटिंग फैक्टर माना जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी ही 0.03% ही है, जनरली डेफिशिएंसी में ही होता है। तो आप अगर देखें ना जो पॉल्यूटेड एरियाज है या रोड साइड प्लांटेशन है वहां अगर आप देखेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ आपको अच्छी दिखेगी, उसका रीजन होता है कि CO2 की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.05% तक, मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल तक जो है ना वो फर्टाइल कंसिडर की जाती है, इसको फर्टिलिटी फैक्टर काउंट किया जाता है। हाँ इससे ज्यादा CO2 अगर बढ़ रही है तो वो फिर टॉक्सिसिटी लाती है, वो प्लांट की डेथ और प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रोक देती है। क्लियर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ द मिनरल्स, क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स दे रखा है द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन, सही बात है सर ऐसे ही ऐसा स्टेटमेंट लिखा है। फिर कह रहा है द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, अभी बात की अपन ने रिप्लेस नहीं कर सकते, इसका मीनिंग ये हो गया। हाँ, स्पेसिफिक है, जिसकी जरूरत हो उसी से काम चलेगा। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, डेफिनेटली। और फिर लिखा है द डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर, तो यहां देखिए किसी एक की डेफिशिएंसी को किसी दूसरे से क्योर करने की बात कर रहा है, ये डेफिनेटली यहां नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं हो सकता वो हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग फंक्शनल कैटेगरीज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स जी, तो सर जैसा भी हम बात कर रहे थे कि वहां कैटेगराइजेशन दे रखा है, कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट का दे रखा है, तो वो कह रहा है कि अनिवार्य एक तत्वों की कार्य आधारित श्रेणियों के संदर्भ में सत्य का मिलान कीजिए। अब देखिए स्ट्रक्चरल दे रखा है और यहां इनको लिख दिया ये तीनों ही असत्य हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता। स्ट्रक्चरल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये अपन ने पहले बताया। फिर सर एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट दे दिया, इसमें अभी हमने बात की थी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट हैं, तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दे स्ट्रक्चरल वाले कॉन्स्टिट्यूटिंग है ये बनाते हैं, तो ये नहीं होगा। फिर कह रहे हैं एंजाइम एक्टिवेशन एलिमेंट आयरन जिंक और कॉपर तीनों हो सकते हैं ये, क्योंकि एक बात हमने ये भी डिस्कस की थी कि जो माइक्रो है बेसिकली वो एक्टिवेटर इनहिबिटर के फॉर्म में मैक्सिमली प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल, या तीनों जो एग्जांपल दिए इधर उधर एनसीईआरटी में मेंशन भी कर रखे हैं, आपका आयरन है वो कैटालेज एंजाइम के लिए, बिल्कुल जो जिंक है वो कार्बोक्सिलेज के लिए, कार्बोक्सिलेज है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज में यूज होता है, कॉपर जैसे अपन ईटीएस स्टडी करते तो वहां पर जो कॉपर आयन प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आप डिस्कस करते हैं वो कॉपर सेंटर कंटेनिंग होता है, तो इस तरीके से यूटिलिटी है। हाँ तो एक ही चीज भी सर बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रेफरेंस कनेक्ट कर जाता है। फिर देखो सर ऑस्मोटिक रेगुलेशन दे दिया, अब ऑस्मोटिक रेगुलेशन में तो क्वांटिटेटिव प्रेजेंस मैटर करेगी अल्टीमेटली, ये मैग्नीशियम जो है ये फॉस्फोरस और बोरोन ये तीनों ही ऑस्मोटिक रेगुलेशन में ऑस्मोटिक कंट्रोल में रोल प्ले नहीं करेंगे, तो आंसर हमारे पास हो गया यहां से थर्ड जो है वो थर्ड एंजाइम एक्टिवेशन एलिमेंट थर्ड आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट द प्लांट एज इंडिकेट्स, अभी जैसे हम बात कर रहे थे क्या पादप भस्म क्या प्रदर्शित करती है ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्लांट, देखिए ऑर्गेनिक मैटर को तो बर्न करवाया जा रहा है। फिर कह रहा है मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, प्लांट ने जो मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब किए, आगे पढ़ लेते हैं सर बहुत मिनरल सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर नहीं पूछे। फिर लिखा है सिलिका एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, नहीं सिलिका एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स नहीं होगा, ये बेसिकली डिपोजिशन में मिलता है वैसे ज्यादा से ज्यादा, तो हम कहेंगे मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। नेक्स्ट 65 सेलेक्ट द ट्रू वन विद रेफरेंस टू द राइजोबिया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसके रिगार्डिंग ये कह रहा है, तो सर ये कह रहा है इट इज ए फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, तो फैकल्टेटिव और जो
ऑब्लिगेटरी कंडीशन है, उन दोनों को थोड़ा सा क्लियर करना। यहाँ देखो राइजोबिया है, एनसीईआरटी में मेंशन किया है, इसका रोल भी दे रखा है, ये राइजोबिया फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। बिल्कुल, फैकल्टेटिव एनारोबिक होने का मतलब बेसिकली एरोबिक है, एरोबिक है, लेकिन एनारोबिक कंडीशन में भी ये ग्रो कर रहा है ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका जो रोल है बड़ा। तो राइजोबियम के लिए कह सकते हो, आपको पता है सॉइल में फ्री लिविंग बैक्टीरिया है और अनएरोबिकली एंटो फिक्सेशन कर रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह देंगे कि ये बेसिकली तो एरोबिक था बट एनएरोबिक कंडीशंस में एंटो फिक्सेशन करता था। फैकल्टेटिव एनारोब होना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया एरोबिक। फैकल्टेटिव एरोबिक होने का मतलब तो सर बेसिकली एनएरोबिक हुआ, इसका मतलब जो हमारे लिए सही नहीं है। फिर कह रहे हैं सोर्स ऑफ एटीपी फॉर एंटो फिक्सेशन, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है सोर्स ऑफ एटीपी नहीं होता, एटीपी को होस्ट सेल एक्जेक्टली अपना कंट्रीब्यूट करेगी। फिर कह रहा है फॉर्म नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, डेफिनेटली ये सही है सर, बैक्टीरिया और जो लेग्यूम प्लांट इन दोनों का एसोसिएशन है, ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक्टिविटी करते हैं, एक दूसरे के कोऑपरेशन में एक्टिविटी करते हैं, तो बैक्टीरिया के पास एंजाइम है और जो होस्ट प्लांट है उसके पास वो स्पेस है जहां वो उसको अनऑक्सीजनिक एटमोस्फेयर दे सकता है, इसलिए एक्टिविटी होती है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे फॉर्मेशन फॉर्म नाइट्रोजनेज एंजाइम। लास्ट लिखा हैज नो कंट्रीब्यूशन इन द लैग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, इनकरेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ये जो लैग हीमोग्लोबिन है इसमें देखो लैग जो पार्ट है प्लस हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन तो आएगा प्लांट होस्ट पार्ट से, बिल्कुल, और लैग जो पार्ट है वो बैक्टीरिया से ही कॉन्ट्रीब्यूट कर किया जाएगा। ठीक है, तो सर फाइनल आंसर हमारा हो गया थर्ड। नेक्स्ट 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसएमिनेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, लास्ट में दे रखा है ट्रांस, दो मेथड आपको दे रखे हैं, रिड्यूस एमिनेशन, रिडक्शन एमिनेशन और उसके बाद ट्रांस एमिनेशन, दो मेथड आपको दे रखे हैं अल्टीमेटली। तो देखो ये कह रहा है कि पार एमिनीकरण के लिए न्यूट्रिएंट्स से किसकी आवश्यकता होगी, बिल्कुल उसमें देखो सबसे पहले अमीनो जो ग्रुप है उसका आएगा डोनर और साथ में होगा जो उसको रिसीव करेगा रेसिपिएंट, तो जो डोनर से अमीनो ग्रुप है यहाँ पर ट्रांसफर करना आपको, तो उसके लिए फिर एंजाइम चाहिए, वो होता है आपका ट्रांस एमिनेशन, कैटालाइज द ट्रांस एमिनेशन, जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ दे रखा है, बिल्कुल ग्लूटारेट है उसके साथ में रिसीवर आएगा जिसके पास कीटो ग्रुप होता है, तो अमीनो ग्रुप जो होता है ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल, तो अमीनो कीटो तो हम क्या कहेंगे अमीनो डोनर, अमीनो एक्सेप्टर एंड ट्रांस एमिनेशन, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इंटो फिक्सेशन के चैप्टर में, इसमें मिनरल न्यूट्रिएशन के चैप्टर में सबसे लास्ट रिएक्शंस दे रखी है, दो इंपॉर्टेंट जी। 6-7, हाइड्रोपोनिक्स रेफर्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स, अब सबसे पहले तो हाइड्रोपोनिक्स हमें क्लियर होनी चाहिए, हाइड्रोपोनिक्स को हम कह देते हैं सर सॉइल लेस कल्चर, और ये जो सॉइल लेस कल्चर है ये आपको बहुत क्लियरली इस बात को बताता है कि प्लांट के लिए सॉइल के बजाय जरूरी है न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट भी है स्टार्टिंग में दे रखा है। हाइड्रोपोनिक्स में अपन जो है सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें सॉइल को यूज नहीं करते, लेकिन उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगे और उसमें अपन प्लांट को ग्रो करवाते हैं, और मेरे ख्याल से इसी की हेल्प से अपन ने ये आइडेंटिफाई किया कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है, बिल्कुल, मतलब ये काफी हेल्पफुल है सॉइल लेस कल्चर। इवन हाइड्रोपोनिक्स के बजाय आजकल तो एरोपोनिक्स और आता है, एरोपोनिक्स में जिसमें आप एग्जैक्टली प्लांट जो है वो हैंगिंग कंडीशन में रूट्स वगैरह जिनमें हाइग्रोस्कोपिक नेचर के टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट है उसमें न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे करके भी आप करवा सकते हैं, जो टेरेस गार्डन वगैरह और ये सब डेवलप किए जाते हैं ये इस हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स के थ्रू ही किए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं टिश्यू कल्चर मीडियम सॉल्यूशन ऑफ मिनरल, सॉल्यूशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये हुआ। क्लियर, हां जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 68, How many ATP are required for the formation of one molecule of NH3 by the nitrogen enzyme? ये सब शुरू में हमने डिस्कस किया था। रिपीट एक तरीके से हो रहा है। यहाँ आपको पता है 2NH3 बनाने के लिए 16 ATP जो है वो required है। So एक के लिए हमारे से पूछा है, आंसर हमारा हो जाएगा 8। Clear? Next 69, nitrifying bacteria. Nitrifying bacteria क्या करते हैं? जो अमोनिया काफी बार बात हो चुकी है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट को कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अमोनिया, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट, नाइट्रेट सिंपल। नेक्स्ट एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू O2, ऑक्सीजन के लिए हाईली सेंसिटिव है, सो इट रिक्वायर एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन ये रिक्वायर करेगा, और एंजाइम नाइट्रोजिनेज जो है एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर करेगा, तो देखिए ये मॉलिक्यूलर ऑफ ये कांसेप्ट बता भी चुके हैं हम, लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन के साथ आके होस्ट सेल में इंटरेक्ट करके करता है। क्लियर, 71, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एंटो फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल बाय फ्रेंकिया, देखिए ये फ्रेंकिया दिया है, नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ दे रखा है, और एनसीईआरटी ने डायरेक्ट एग्जांपल एलनस, और आपने एक एग्जांपल और बताया था कैजुराइना, दो भी हो सकते हैं, दोनों इसके एग्जांपल हो सकते हैं, तो एलनस हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल, ये आंसर हो जाएगा। 72, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये हो चुकी है, देखिए ये भी आ चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन भी है, स्यूडोमोनास एंथियोबैसिलस। क्लियर, 73,
चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रूट नोड्यूल फॉर्मेशन. रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो रूट हेयर्स के कॉन्टेक्ट में आता है और में इंटरेक्शन होता है, वहां एक केमिकल इंटरेक्शन होगा. देयर इज ए कंटिन्यूस डायलॉग इन बिटवीन द रूट हेयर सेल्स एंड द राइजोबियम बैक्टीरिया, और फिर उसके बाद में वो पेनिट्रेट करेगा. पेनिट्रेट करने के बाद में आप ये कह सकते हैं वहां से इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा और इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू वो मल्टीप्लीकेट होता हुआ कंप्लीट कॉर्टिकल रीजन में चला जाएगा. तो सर इसमें सबसे पहले रिकॉग्निशन होगा सूटेबल होस्ट और बैक्टीरिया का, ये केमिकल इंटरेक्शन ही होता है. बिल्कुल, उसके बाद में कर्लिंग हो जाएगी. इसको मैं कह सकता हूँ ये फर्स्ट हुआ, फिर उसके बाद में कर्लिंग कर लेगा, फिर पेनिट्रेशन करेगा और पेनिट्रेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल. ठीक है, तो बच्चों आप इस तरीके से इनको अरेंज कर लो. नेक्स्ट 7.4 फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नीड्स. देखिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और फोटोलाइसिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो बनता है पीएच सेकंड के साथ एक्टिवली एसोसिएट करता है, तो इसमें मैग्नीज और क्लोराइड आयंस जो है इनका स्पेसिफिक रोल है. ठीक है, ये स्प्लिट करवा रहा है और ये ऑक्सीजन को वहां से रिमूव करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट 7.5 विच पेयर इज रॉन्ग, कौन सा पेयर जो है वो गलत है. तो देखो मैग्नीज दे रखा है रूबिस्को एक्टिवेटर के फॉर्म में, ठीक है. बोरॉन पोलन ट्यूब के इलॉन्गेशन में हेल्प करता है सर, ये दे रखा है. देखो सर एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. हां वो मैग्नीज दे दिया, मैग्नीशियम होना ओके मैं हां ये देखो ये गलती बिल्कुल आपको बच्चों नहीं करनी है. ये मैग्नीशियम दे रखा है यहां, तो मैग्नीशियम राइबोसोम्स के लिए करता ही है जैसा बार बार आप बता चुके हैं. ठीक है, और एक दे रखा आपको पोटेशियम, ये स्टोन भी सही है. तो ये मैग्नीज है, यहां मैग्नीशियम होना चाहिए था. अगर मैग्नीशियम होता तो ये सही होता, जबकि अब ये क्या हो गया इनकरेक्ट. तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. तो ये स्टूडेंट्स हमने मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो थे, उन सबको जितना रेलिवेंसी के साथ डिस्कस हम कर सकते थे हमने एफर्ट किया है. आप लोग इसी तरीके से कनेक्ट रहें. अगला एपिसोड हम लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर जो प्लांट फिजियोलॉजी का है उसी पे, और इसी तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी को हम कंप्लीट कर लेंगे. और सर अभी आपने बताया कि इससे हर बार क्वेश्चन आता है. हाँ, और थोड़ा सा ये इंफॉर्मेटिव चैप्टर भी, इंफॉर्मेटिव भी. नाइट्रोजन फिक्सेशन यहां कांसेप्चुअल है, बाकी ये इंफॉर्मेटिव. तो एग्जांपल मेरे ख्याल से सारे याद करने पड़ेंगे. बिल्कुल, तो हर एक लाइन हर एक स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आप पढ़ें. एंजॉय द प्लांट फिजियोलॉजी, एंजॉय द बॉटनी. थैंक यू.